नहीं मिला, मेरे को भी नहीं मिला, लेट हो गया। बोलेगा तो उतर सकते, आधा पका हुआ घुमा सकते इसको। सर सर ऊपर ऊपर उड़ा दो सर सर एक सर इधर एक सर ये फिर से एक बार दिल्ली के कैरेक्टर है ना उसके मूड में अभी तक है वो कैरेक्टर उतना ही नहीं। नॉर्थ इंडिया का हर लड़का सोच ऐसे क्यों सोचता है दिल्ली का हर लड़का कि अगर लड़की अगर हंस गई तो पट गई सेटिंग हो गई मेरी ऐसे क्यों सोचता है हर लड़का। हम सब लड़कों के लिए एक स्पेशल स्कूल होता है जिसकी तीसरी कक्षा में हमें सिखाया जाता है कि लड़की हंसी तो फंसी और जो लड़की स्माइल देगी वो तो देगी ही देगी। अपना फोन नंबर शुरू से ही मैंने ज्यादा फिल्में नहीं की अपने करियर में। कोई तो सवाल था और भी बहुत कुछ है ना फिल्मों के अलावा जैसे डूइंग योगा गोइंग टू द जिम बीइंग इन अमेरिका मीटिंग प्रेसिडेंट बराक ओबामा सो मेनी थिंग्स टू डू। बहुत मस्ती की है शूटिंग के दौरान। अब क्या बताएं आपको 67 रातें थी दिल्ली में सर्दी में ठिठुर रहे थे सर्दी में 67 रातों में। बट एक फायदा हुआ प्रोड्यूसर का बहुत सबसे बड़ा गिफ्ट जो मलिका का रहा हम सबको पूरी फिल्म को पूरी यूनिट को और खासकर हमारे प्रोड्यूसर को उसका खर्चा बहुत बचा। हीटर मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें कुछ। शादीशुदा आदमी हो आप ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती आपको? शादी के बाद आदमी बातें ही तो कर सकता है। वैसे आपको पता है कि मलिका शेरावत को एक शादी का प्रपोजल आया हाल ही में पता है आप लोगों को? ब्रेकिंग न्यूज है भाई। बड़ा स्वीट आदमी है थोड़ा ज्यादा ही स्वीट है लिटरली स्वीट है क्योंकि वो अंबाला में हलवाई है हलवाई। कहता है मैं रोज आपके लिए देसी घी का पीपा लेके आऊंगा रोज आपके लिए जलेबियां बनाऊंगा इमरतियां बनाऊंगा लड्डू बनाऊंगा आपके पैर दबाऊंगा। तो मैंने कहा इसकी एम्बिशन बड़ी लो है। मेरा फैन है वो हर हफ्ता मुझे मिठाई बना के भेजता है अंबाला से वो भी देसी घी में बहुत एफर्ट करता है कभी लड्डू भेजेगा कभी इमरती भेजेगा जलेबी भेजेगा तो इट्स रियली नाइस। और एक दूसरा फैन है बट इसका चांस है कि नहीं अंबाले वाले किसका भाई का? नहीं अभी कोई चांस नहीं है कोई चांस नहीं। अच्छा दूसरा वाला तो बता दो। दूसरा वाला एक फैन है ट्विटर पे जिसने मेरा नाम अपने हाथ पे टैटू किया है सो दिस इज द काइंड ऑफ लव माई फैंस आर शोइंग मी। ऐसे ही किया टैटू।